मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावं या प्रमुख मागणीसाठी गुरुवारी 1 ऑगस्टपासून सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीनं बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आलंय. महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण नोकऱ्यांमध्ये 5% आरक्षण बहाल करावे, मुस्लिम समाजासाठी मौलाना आझाद रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटची स्थापना करावी, उच्च शिक्षणामध्ये 50% सवलत शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी, मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारीकरता अभ्यास केंद्रांची स्थापना करावी, बेरोजगार युवक युवतींना रोजगार मिळवून देण्यासाठी मेळावे आयोजित करावे, कर्ज योजनांमध्ये रकमेत वाढ करावी, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या उपलब्ध करून देण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त विद्यापीठाची स्थापना करावी, पोलीस सैन्य आणि इतर भरती प्रशिक्षणासाठी मैदानांची व्यवस्था करावी आदी प्रमुख मागण्या सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीनं मांडण्यात आल्या. मुस्लिम आरक्षण के वास्ते हम बेमुद्दत आंदोलन पर बैठे हुए हैं और वजह उसकी ये है कि मुसलमानों की हालत माशी तौर पर बहुत ज़्यादा पसमानदा और पिछड़ी हुई है. ये बात हुकूमत के 3-3 कमीशनों ने अपने सर्वे के अंदर कही है. जस्टिस महमूदुर रहमान कमीशन, जस्टिस रंगानाथ मिश्रा कमीशन और जस्टिस सच्चर कमीशन. इसके बाद जब ये मामला यहाँ पर 5% फेडरेशन दिया गया हुकूमत की तरफ से और इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने भी 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन हमको दिया है, लेकिन अभी तक उस पर अमल बजावनी नहीं हो रही है. और ये कोर्ट में रिजर्वेशन दिए जाने की वजह से हमारा बहुत बड़ा बुनियादी हक है, इसलिए हमारी रिजर्वेशन कृति समिति ने फैसला किया है कि हम रिजर्वेशन के लिए बेमुद्दत आंदोलन धरने आंदोलन यहाँ पर करेंगे और इसकी आज से यहाँ पर शुरुआत हुई है. हमारे साथ हमारे समाज के उलमा और समाजी और तालीमी और तमाम शख्सियात मौजूद हैं, आप पर देखे जा सकते हैं. हमारे मुतालबात में तहरीरी तौर पर हम जो है उसकी पूरी कापी फराहम कर रहे हैं, जो कापी हमने आपको भी उसकी फराहम की है, उससे हमारे मुतालबात देखे जा सकते हैं और उसके मुतालबात मालूम किए जा सकते हैं.